विदिशा जिले के गंज वासुदा क्षेत्र के मीणा समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समाज के दो युवकों की संदिग्ध मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लोगों ने बताया कि ग्राम देलवाड़ा में 29 सितंबर की रात को दीपेश और बनफूल मीणा शिवराज रघुवंशी का भाड़ा नरेंद्र मीणा से आए थे। यह पैसा लेकर दोनों शिवराज के जेसीबी ड्राइवर राजेंद्र सिंह, सुनील और महेश के साथ बरेठ के ढावे पर खाना खाने गए थे। उसके बाद ही दीपेश और बनफूल ग्राम भाटनी के पास घायल अवस्था में मिले थे। गंज बासुदा शासकीय अस्पताल में दीपेश की और बनफूल की भोपाल में मृत्यु हो गई थी। तब से ही ये तीनों फरार हैं। एसडीएम राजेश मेहता को ज्ञापन देकर मीणा समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अपने बाप में पैसा है थे। तो कहने लगा जी पैसा या पैसा ले जा। वो कहने लगा पूरी हमारे बालक की हत्या हुई है साथ उनकी। सारे बहनों पैसा ले जाए थे। शिवराज सिंह ठेकेदार जी भी मशीन चला था। मेरे थे 60,000 रुपया। उनका अब क्या विवाद हुआ, कितने रुपए दिए ये मालूम नहीं है। कार्रवाई चाह रहे हैं साहब ने थाने की थी साहब। उन लोगों को साहब गिरफ्तार किए जाए, उनसे जाँच की जाए उनकी ये क्या हुआ है, उन्हें किस कारण मारे, पैसे लूट लें उनके मोबाइल 10,000 के और 25,000 रुपया भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।